डोंगरगांव बस हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस अमला अचानक सक्रिय हो गया है। खासकर तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। बसों के साथ खनिज वाहनों पर भी हो रही पुलिस कार्यवाही रेत कारोबारियों को रास नहीं आ रही है। शुक्रवार को जिले भर के रेत कारोबारी नवग्रह मेला मैदान पर इकट्ठा हुए। यहां टेंट लगाकर प्रदर्शन की सूचना पर SDM ओम नारायण सिंह धरना स्थल पहुंच गए और प्रदर्शन कर रहे रेत कारोबारियों को बिना सूचना या प्रशासनिक अनुमति के प्रदर्शन करने पर जमकर फटकार लगाई। SDM ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है, बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसके बाद रेत कारोबारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपकर खनिज वाहनों पर की जा रही कार्यवाही को तानाशाही बताते हुए विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रेत माफिया भाजपा कार्यालय पहुंचे और जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद DIG को भी ज्ञापन सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ज्ञापन लेना है ना सर, बात ही नहीं है सर। मैं इससे पूछा हूँ, आप अपनी मर्जी से हर जगह जब लागू है तो क्या आप पालन चाहते नहीं चाहते? सर नोटिफिकेशन है क्या यहाँ पर हमारे लिए, बताया कि किसने बाहर बोर्ड तो लगाया नहीं, बाहर बोर्ड तो लगाया नहीं, बोर्ड तो लगाया नहीं। मैं भी आपको टेंट के पास बोल के आया हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सर रिकॉर्डिंग से मतलब थोड़ी, सर हर हरने पे जाते हैं, मैं हर चीज ले लूंगा पेपर में, चिंता बिल्कुल नहीं करें जी सर। SDM को सब पता, हर चीज में लिखित में बात करूंगा आपसे, ठीक है सर। और अभी भी आप आराम से आइए, मुझसे बताइए जो ज्ञापन होते हैं सर। ज्ञापन ही नहीं हुए क्या यहाँ पे? कल और परसों भी ज्ञापन हुए, जब 144 करनी थी क्या? अरे आप मुझे 144 जब नहीं रहती क्या? लोग आते हैं, लोग तरीका नहीं, आप मुझसे बोलो क्या हम कोई तरीके में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ नहीं रहे, हम शांति को कलेक्टर ऑफिस से सर हम ज्ञापन देने आए शांतिपूर्वक। क्या है अनुमति का है? हमने कौन सा अपराध किया? हमारे बात रखने का संविधान में है ना अधिकार है कि नहीं है? हमको 144 को लंघन का अधिकार आपको उधर समाज अथॉरिटी और धारा को प्रशासन अपने मनमानी चला रहा है सर। आप जब जरूरत होती है तब भीड़ नहीं आन देते, और जब ऐसे सब भीड़ आती है लिख के दे दो तब मालूम है सर हमको। आप जो बोलना है ये चीजें सब की मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे हम भी बोल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं सब सामने के। आप ज्ञापन तो उससे करे तरीका है क्या? अरे तो आपने अनुमति मांगी हमको, ले रहे ना ज्ञापन? किसकी अनुमति से आप प्रवेश कर रहे हैं मुझे बताइए। मैं SDM बोल रहा हूँ आपसे, अरे आपसे मैं बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ ना, विधि का पालन आप संविधान का पालन करते कि नहीं, लॉ का पालन करते? अरे तो हम है ना, आप मुझे बताओ ना, तो वैसे थोड़ी आप जल्दी नहीं देते सर ज्ञापन। आप ऐसा नहीं है, आप अभी 12 अनुमति का प्रवेश कर रहे हो। राजू भाई कहाँ? आपका मालिक कौन बनना चाह रहा है प्रशासन ये भी बताएं। रेत गिट्टी के व्यापार से जुड़े मजदूर, मशीन के ऑपरेटर, गाड़ियों के ड्राइवर, वाहन के मालिक, गिट्टी क्रेशर के मालिक, रेत खदान से जुड़े मालिक, कर्मचारी, अन्य हजारों परिवार के साथ खनिज के राजस्व को भी करोड़ों रुपए की शासन कलेक्टर ऑफिस देने। आप मुझे पूछिए किसकी अनुमति से आपने यह धरना दिया है? मैं SDM बोल रहा हूँ, आपसे मेरे को अनुमति दीजिए। अरे आप ज्ञापन तो ये अनुमति है, आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं, धूप में अनुमति चाहिए। इतने बड़े क्षेत्र में 144 लागू है, मैं आपसे चलो ज्ञापन देने चलो सब लोग, अपन रहते ही नहीं होता ज्ञापन, ज्ञापन की बारी में डाला चलो सुनो चलो चलो ज्ञापन देने चलो 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 ज्ञापन देने चलो। जितने टैंक और उस दौरान जब से भी तूतू में हुई, क्या है कहना है आपका? सर तूतू में हुई तो किसी विशेष सब्जेक्ट में हुई नहीं, हमारी किसी प्रकार से तूतू में नहीं हुई, ये गलत है। ज्ञापन देने क्यों पूछे थे? ज्ञापन इसलिए देना पड़ा हमको कि आए मतलब हमारे यहाँ जो मजदूर है, ट्रैक्टर वर्कर है, जो लोग भी है, उन पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। कैसे? काम धंधे बंद है बिल्कुल, रेट वैसा है कि 300 पर 379 की धारा लगाई जा रही है, जिसके कारण ट्रैक्टर मालिकों ने ट्रैक्टर बंद कर रखा। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये धाराएं हटाई जाए। खरगोन पुलिस प्रशासन है कि आपने नारे भी लगाए, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे और तख्तियां लेकर भी आप पहुंचे थे जी, ये किस तरह का विरोध? सर ये कोई व्यवहार थोड़ी, हम दिखाना चाहते कि प्रशासन आना चाहिए। आपको SDM साहब के द्वारा रोका गया था कि यहाँ पे आप ज्ञापन नहीं देंगे, आप अंदर किसकी अनुमति से आए हैं? सर अनुमति तो आप स्वतंत्र हम लोग हैं, उसी को लेकर आपसे आपकी हटटक भी हुई थी? नहीं सर ऐसी हटटक तो इसी प्रकार का कोई है। क्या नाम लिखते हैं? सुमेर सिंह। किस पद पर है? मजदूर यूनियन। और उस दौरान जब से तूतू में हुई, क्या है कहना आप? सर तूतू में हुए तो किसी विषय सब्जेक्ट में हुई नहीं, हमारी किसी प्रकार में तूतू में नहीं हुई है, ये गलत बात है। ज्ञापन देने क्यों पूछे? ज्ञापन इसलिए देना पड़ा हमको
कि आए मतलब हमारे यहाँ जो मजदूर है, ट्रैक्टर वर्कर है, जो लोग भी है, उन पे रोजी रोटी का संकट आ खड़ा है। काम धंधा बंद है बिल्कुल। रेत वैसा है कि ट्रैक्टरों पर 379 की धारा लगाई जा रही है, जिसके कारण ट्रैक्टर मालिकों ने ट्रैक्टर बंद कर रखा है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये धाराएं हटाई जाए। खरगोन पुलिस प्रशासन आया है कि आपने नारे भी लगाए, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे और तख्तियां लेकर भी आप पहुंचे थे। जी, ये किस तरह के सर, ये कोई व्यवहार थोड़ी, हम दिखाना चाहते हैं कि प्रशासन की आना चाहिए हो रही है। आपको SDM साहब के द्वारा रोका गया था कि यहाँ पे आप ज्ञापन नहीं देंगे, आप अंदर किसके अनुमति दिया है? सर अनुमति तो आप स्वतंत्र हम लोग हैं, आपके आपके हटक भी नहीं सर, ऐसे हटक किसी प्रकार का कोई है। क्या नाम लिखते हैं? सुमेर सिंह। किस पद पर है? मजदूर यूनियन सर। उनकी मांग थी वहाँ जो पकड़े जा रहे पुलिस के द्वारा और उन पर FIR भी की जा रही है, क्या किस तरह से ज्ञापन? नहीं, मुझे अभी नॉलेज में नहीं है। मुझे तो सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ 144 लागू है कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर एक टेंट लगा के बहुत सारे लोग धरने पे बैठे हैं, जो 144 का उल्लंघन है और भी संवैधानिक या विधि का उल्लंघन है। तो मैं इसको चेक करने के लिए मेरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार और पुलिस के साथ पूछने आया था। फिर उनसे मैंने यही पूछा कि आप बताइए आपको किस की अनुमति के साथ यहाँ पर ये एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की अनुमति होती है और मैं SDM हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि इन सब चीज़ की अनुमति देके विधिवत संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करना। फिर वो लोग वो एक्टिव होकर के यहाँ तक आए हैं, अब वो अभी देखते हैं उनने अब किसकी अनुमति ली क्या है। ये विषय तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, जो ज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं उसे माइनिंग अधिकारी या विधि के अनुसार परीक्षण करेंगे और ऊपर ज्ञापन भेजेंगे। तो ज्ञापन के दौरान तू में भी बहस भी हुई? नहीं, वो उनका एक्टिविटी है, वो बताया। मेरा उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर, मैं इतना चाहता हूँ कि जो 144 लागू है, मेरा मुख्य उद्देश्य विधि का, संविधान का पालन करना है और मेरे को इसीलिए नियुक्त किया गया है, तो अपना इतना ही ड्यूटी रहती है। तो सर कार्रवाई होगी कुछ जो भी विधि है वो तो विधि का परीक्षण होगा, जो लिखा है तथ्य है, अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देंगे, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट है, तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या तथ्य आते हैं, जो भी नियम प्रावधान है अपन उसको दिखवाते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में 144 लागू है? हाँ, अभी वो जब तक है, और वैसे भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद अब SDM खड़ा अनुमति देने, हम तो यही पूछा मैंने आते से कि आपको किसने अनुमति दी, क्योंकि मैं खुद SDM हूँ, मुझे मालूम की अनुमति है, तो आप मुझे दें भाई। सभी सभी जो भी है ज्ञापन देने आते हैं वो अनुमति का ऐसा नहीं है सभी का, मेरा मुख्य उद्देश्य ज्ञापन देने के तरीके होते हैं, एग्रेसिव तरीका नहीं होता, शांतिपूर्वक अगर कोई व्यक्ति ज्ञापन देता है या कोई अपनी बात कहता तो विधान उसको बोलता है। 144 इसलिए लागू नहीं है कि किसी को उग्र हो, इसलिए कि शांतिपूर्वक कोई भी व्यवहार किया सकता है संविधान और कानून में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।